तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वैगी सॉन्ग से गाने में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो अपने रूफटॉप में लगे हुए है पुदीने की हेल्थी ग्रोथ और केयर के हवाले से है। सामने दो पॉट में, एक राउंड टेराकोटा पॉट में और एक दूसरे एक कंटेनर में मेरे ये जो पुदीना है एज ए हर्बल प्लांट है ये लगा हुआ है। और तकरीबन हर साल जहां दूसरी सर्दियों की और गर्मियों की मैं वेजिटेबल हार्वेस्ट करता हूं, साथ साथ पुदीने को भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के घर की चटनियों में है, दही में से यूज़ करते हैं और बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। और तकरीबन हर ही घर में ये पुदीना लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, जैसे धनिया हो गया है। और एक जो किचन गार्डन है के लिए ये एक घर का ज़रूरी हिस्सा समझा जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि बाहर का मौसम शुरू है और उसमें ये आप नए जो लीव्स हैं पुदीने के हैं निकलते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से अपने गार्डन फ्रेंड्स को मैं कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूंगा। पहले तो ये है कि पिछले महीने काफ़ी चिल्ड वेदर रहा, जनवरी का मौसम रहा है, पूरा महीना बारिशें भी हुई हैं और इसमें मैंने हर तरह से अपने पुदीने के प्लांट को मैंने कवर अप किया हुआ था प्लास्टिक से, इवन सुबह कोहरे से भी इसे बचाया है प्लास्टिक शीट से, ताकि जब बारिशें रही हैं तो क्योंकि ओपन स्पेस में गमले को तो मैं ये ओपन स्पेस में ही रहे हैं, इसको मैं अंडर शेड के नीचे नहीं कर सका, लेकिन जैसे जब बारिशें रही हैं तो पूरा दिन ये इसको प्लास्टिक शीट में ये कवर रहे हैं पौधे। और रात को मैं से फिर दिन के वक्त जब बारिशें नहीं होती थी प्लास्टिक शीट उतार लेता था, बाद में फिर मैं से रात को इसे प्लास्टिक शीट से कवर करता था ताकि ये कोहरा ना पड़े, क्योंकि कोहरे में ये होता था कि पत्ते इसके जो काले काले हो जाते थे आपका ये बाद में जब ज़्यादा किए काले काले हो जाएंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी आपका, भैया जो पुदीना है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती, पुदीना ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। और अभी भी जो कई पुदीने के जैसे ना ये सूरत हाल ये होती है, जैसे ये आपको नजर आ रही है ये ब्राउन टहनी है, ये जो होता है जब आप जिस तरह बाकी प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं तो इसकी भी आप साथ साथ ये टहनी काली काली ये ब्राउन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको भी आप साथ साथ इसको एक तरह की पिंचिंग इसकी करते रहें साथ साथ, जैसे ये मैं अभी कर रहा हूँ साथ साथ, जितनी भी टहनियाँ आपको ये जैसे कुछ और ये टहनियाँ आपको नज़र आ रही हैं इस तरह छानते भी रहेंगे, छानते रहेंगे तो नीचे नीचे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो ब्राउन लीव्स हैं इसके नीचे गिरते जाएंगे। और हो सकता है कि इसकी मैं यहाँ से मैं इसकी ये जो प्रूनिंग है यहाँ से भी इसकी मैं बड़ी बड़ी टहनियाँ ये सारी की सारी ब्रांचेस से मैं सारी की सारी मैं ये कटअप करूँगा। और पुदीने की हेल्थी ग्रोथ के हवाले से जितनी आप इसे सनलाइट दे सकेंगे, अभी मेरा रूफटॉप पे है, अगर आपके कई आपने अंडर शेड कहीं रखे हुए तो कोशिश करें इसे लाजमी आजकल के मौसम में 6 घंटे की लाजमी सनलाइट दें, क्योंकि आगे मौसम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, मार्च अप्रैल में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर इसको अंडर शेड के नीचे थोड़ा सा करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी पर भी इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आजकल के जब नए लीव्स निकल रहे हों पुदीने में तो जितनी आप सनलाइट देंगे इसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए काफ़ी है, यह भरा भरा नजर आएगा। और जितने सारे के सारे लीव्स हैं ये कट ऑफ कर दें, ये जिस तरह के मैंने आपको साथ साथ ये दिखा रहा हूँ। और पानी तब दें जब इसको पानी की ज़रूरत हो, ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। और खाद जो आप डालेंगे उसमें थोड़ी सी ऊपर से गोबर की खाद, मैं तो थोड़ी सी गोबर की खाद थोड़ी सी पत्तों की खाद इसको मिक्स करके हल्के की से ऊपर से वैसे डाल देता हूँ, क्योंकि अब तो ये इतना भरा भरा है कि मुझे यहाँ से टेराकोटा में फिल हुआ है, मुझे नीचे से नहीं करना पड़ता। और बाद में मैं ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा मोस्टली यूज़ करता हूँ, स्टार्ट में इसमें मैं नाइट्रोजन दूँगा, थोड़ी सी बाद में DAP दूँगा, इसी तरह जब और ज़्यादा थोड़ी सी टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी तो मुफ्ती पोटेशियम फास्फोरस की सी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें दूंगा। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये कुछ अपने घर में लगे हुए पुदीने की केयर के हवाले से कुछ टिप्स से कुछ आपको दिखाना चाहता था कि जहाँ जहाँ मैंने हर तरह की जो वेजिटेबल्स मैं लगाता हूँ वहाँ वहाँ मेरे घर में
जो पुदीना है जो टेराकोटा पॉट में है, तकरीबन हर साल इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, जिस तरह के मेरे और फर्दर प्लांट्स हैं लेमन प्लांट्स की भी है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वैगी सुमकिंग गार्डन।